22 जुलाई 1983 कनाडा की एक फ्लाइट बोइंग 143 मॉन्ट्रियल से गुडविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाती है। इस फ्लाइट के फर्स्ट कैप्टन जॉन गियर को यह बैठ किया जाता है कि यह फ्लाइट एक सिंगल चैनल पे ऑपरेट किया जाएगा। एयरपोर्ट पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मदद से यह फ्लाइट करीब 4 घंटे तक नॉर्मल उड़ान भरती है। इस फ्लाइट के सेकंड कैप्टन डोनाल्ड जॉनसन रिपोर्ट करता है कि यह फ्लाइट 41,000 के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रही है। इस फ्लाइट के हर पैसेंजर आंख बंद करके अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। सब कुछ नॉर्मल देखने को मिलता है, तभी अचानक से इस फ्लाइट के लेफ्ट इंजन खराब हो जाने का इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता है। कुछ देर बाद फिर से राइट इंजन खराब हो जाने का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। सडनली इंजन खराब हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना भी बंद हो जाता है और अभी जहाज के पायलट पूरी तरह से अपना कंट्रोल लूज कर देता है। धीरे धीरे ये फ्लाइट 41,000 एल्टीट्यूड से 20,000 के एल्टीट्यूड पर आ जाता है। इस फ्लाइट का सारा इंजन खराब हो जाने की वजह से इसकी ऊपर से नीचे आने का रफ्तार भी तेज हो जाता है। इस फ्लाइट के पायलट को अब ये एहसास हो चुका था कि ये फ्लाइट अब पूरी तरह से क्रैश होने वाली है। इस तेज रफ्तार के साथ साथ सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर के भी दिल तेज से धड़कने लग जाता है। इस जहाज के फर्स्ट कैप्टन बहुत तेजी से ग्रेविटी की मदद से दोनों लैंडिंग टायर को डाउन करता है। इस जहाज को स्लो डाउन करने के लिए इस फ्लाइट के सेकंड कैप्टन इसको फॉरवर्ड स्लिप कर देता है ताकि स्पीड मेंटेन हो सके। देखते ही देखते अब ये फ्लाइट रनवे के बहुत करीब आ जाता है। जैसे ये फ्लाइट नीचे टच डाउन करता है एयरक्राफ्ट की टायर बुरी तरह से कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से जहाज के कई पार्ट को नुकसान पहुंचती है। बट सौभाग्य से पूरे 61 के 61 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर को एक नुकसान तक नहीं पहुंचती।